Hey, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, मेरा नाम है जयचिंद गंडेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचिंद राजस्थानी। मैं एक ऑस्टमी पेशेंट हूँ विद अराउंड 10 ईयर्स और मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ। पर दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अनोखा है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैलेंटाइन डे के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, बड़ा मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आपके टूटे हुए दिमाग के तार जोड़ देगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, ये साल का भी वैलेंटाइन डे लगभग आ ही चुका है और इंसान कोई भी एज में हो जाए, कोई भी जेंडर हो, प्यार मोहब्बत तो सबको अच्छी लगती है। तो ऑब्वियसली हमारे जैसे पेशेंट है वो भी कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि कोई पार्टनर और ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में भी हो। और ऑब्वियसली मेरे जो शुभचिंतक है, कहीं ना कहीं ये मुझे हर बार बोलते रहते कि यार, ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे नॉर्मल लड़की से मे भी शादी ना हो पाए, तो क्यों ना तुम ऑस्टमी पेशेंट से ही शादी कर लो, या तो कोई कैंसर सर्वाइवर है उससे शादी कर लो, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट ज़िंदगी निकल जाएगी। तो मे भी ऐसा बोलते हैं कि वो ऑस्टमी पेशेंट होगी तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा समझेगी, कैंसर पेशेंट है तो ज़्यादा समझेगी। तो ऐसे लोग हमेशा सजेशन देते रहते हैं। पर दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपकी जो प्रॉब्लम है समझने के लिए आपके जैसा ही इंसान होना चाहिए। मतलब मेरी अगर दिक्कत ऑस्टमी है तो ऑस्टमी पेशेंट ही मेरी प्रॉब्लम समझ पाएगा, या मैं कैंसर सर्वाइवर हो वो ही दिक्कत समझ पाएगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम समझने के लिए या तो आपकी फीलिंग समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है प्यार। जी हाँ दोस्तों, प्यार। प्यार होगा तो अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली ही आ जाती है, और प्यार नहीं होगा तो दोस्तों आप कितना ही आपस में, मतलब ऑस्टमी पेशेंट हो या तो कैंसर सर्वाइवर हो, कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। आपके बीच में नहीं बन सकती। जो प्यार ही है जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जोड़ता है, केयरिंग होती है। और प्यार नहीं होगा तो दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देख सकते हो आपके फैमिली मेम्बर क्या सारे के सारे कैंसर सर्वाइवर है, क्या सारे के सारे ऑस्टमी पेशेंट है, जो आपके दोस्त है जिगरी, क्या वो आपके जैसे है? दोस्तों नहीं। फिर भी वो आपकी केयर क्यों करते कि दोस्तों वो प्यार। और दोस्तों, जब प्यार होगा तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे प्रॉब्लम है, ये सब है। प्यार अकेले में काफ़ी है ये सब चीज़ें समझने के लिए। आपकी पर्सनालिटी के बीच में कितना भी बड़ा डिफरेंस हो, आप गोरे हो, आप काले हो, आप अपाइज हो, आप नॉर्मल हो, आप कैसे भी हो, एक चीज़ जो जोड़ेगी वो है प्यार। और वही नहीं है तो भले ही आपके बीच में कितने भी ज़्यादा समानता हो, आप घर में रहते हो दोस्तों, फिर भी दोस्तों आप नहीं निभा पाओगे, नहीं निभा पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्यार। प्यार है तो दोस्तों आप सात समुंदर दूर भी हो ना तो दोस्तों इसको फील कर सकते हो, और नहीं है तो दोस्तों देखते ही ये पड़ोसी पड़ोसी घर घर में लड़ाइयाँ होती रहती है। तो क्यों होती है? प्यार की वजह से ही। तो रिश्ते नाते प्यार से निभाए जाते हैं, समानता से नहीं। और मेरा पर्सनल एक सजेशन है कि अगर आप ऑस्टमी पेशेंट हो या आप कोई भी एक डिसेबिलिटी के साथ में हो, तो नेवर गो विथ द सेम काइंड ऑफ पेशेंट। लाइक अगर आप ऑस्टमी पेशेंट हो तो अगर आपको करना ही है, आपको इतनी चुल मची है कि मेरे को अपनी लाइफ में कोई ना कोई चाहिए, तो ऑब्वियसली ट्राई टू चूज़ करें कि ऐसा इंसान जो आपके सेम ऑस्टमी पेशेंट ना हो, वो भी सेम ना हो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर सामने वाला भी वही प्रॉब्लम लेकर आता है जो आपको है, तो वो प्रॉब्लम आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम हो कहीं ना सॉल्व हुई नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम तो एक जैसी रह गई ना। तो आपकी प्रॉब्लम उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही बैलेंस बन पाएगा। अगर एक गाड़ी है उसका एक टायर पंचर है और सामने वाली गाड़ी का भी सेम टायर पंचर है, तो गाड़ी दोस्तों बैलेंस कहाँ होगी?
तो ये चीज़ आप रख सकते हो अपने ख्यालात में जब आप ये सब चीज़ें डिसीजन लोगे। और मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, ये सारी चीज़ें तो दुनियादार लोगों के लिए जिनको रैशनल आंसर चाहिए होता है हर चीज़ का, तो वो उनके लिए जितना मैंने बताया। पर मेरा ऐसा मानना है कि किस्मत सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। किस्मत ही है जो आपको किसी इंसान से मिलाएगी, और किस्मत ही है जो आपको मे बी ज़िंदगी भर अकेला निकालना पड़े। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें किस्मत पर है। अगर आपकी किस्मत में कोई इंसान आना लिखा है तो देर सवेर कोई ना कोई आ ही जाएगा। अगर नहीं लिखा है तो आप कितना भी छाती पीट लो, आप कुछ भी कर लो, नहीं होगा, नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसका उदाहरण तो हमें दुनिया में देखने को मिलता ही है। हमारी क्या बात करें, हमें तो ऑब्वियसली एक फिज़िकल डिसेबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं एक बोल सकते हो कि भैया इस वजह से आपकी नहीं हो रही है, या तो इस वजह से आपके साथ में ना हो। पर दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास दोस्तों सब कुछ है। एक अच्छा शरीर है, एक धन दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, फिर भी बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं। मे भी लोग शादी तो कर लेते हैं पर वो फिर से टूट जाती है, डिवोर्स हो जाते हैं, डिवोर्स पर डिवोर्स होते रहते हैं लोगों के। और ये सब चीज़ भी मान लो अगर ठीक है, तो दोस्तों ऐसा भी होता है कि कभी पति की मौत हो जाती है जल्दी, या तो पत्नी की मौत हो जाती है, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं रहना हो तो उसको अकेला ही पड़ा। यस, तो दोस्तों इससे क्या मतलब, क्या नतीजे पे पहुँचते हैं दोस्तों? किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ नहीं है तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी कर रहे हो, वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती दोस्तों, नहीं मिल सकती। और अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ है तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत वो आपसे जुदा नहीं कर सकती। तो दोस्तों किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है, और जो ऊपर वाले की रज़ा है उसमें खुश रहो। मे भी कुछ चीज़ आपके लिए बेहतर हो रही है, वो जो आपको अंदाज़ा ना हो, आप अपने इंटेलेक्चुअल से या दिमाग से वो सब चीज़ें नहीं देख सकते हो, तो आप ऊपर वाले पे छोड़ दो। तो यही ये वीडियो का मकसद था। होपफुली दिमाग के तार कुछ ना कुछ जुड़े होंगे। यस, इन्जॉय किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना भाई। और क्या बोलूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो था, जिसको समझ में आया है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वही दुनियादारी सब चलती रहेगी। और क्या बोलूँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यस, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।